हेलो दोस्तों, दी बेस्ट प्रोजेक्ट मेकर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है धवल रावल। दोस्तों, आज का प्रोजेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यह प्रोजेक्ट हमने बिल्कुल रियल इवेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया है। जी हाँ दोस्तों 24 मई 2019 को सूरत सरथाना में बहुत ही बड़ी आग लगी थी, जो कि तक्षशिला कॉम्प्लेक्स में लगी थी। दोस्तों, यह आग एक कोचिंग सेंटर में लगी थी, जिसके अंदर बहुत ही सारे स्टूडेंट एक साथ कोचिंग ले रहे थे। उस टाइम यह आग लगी थी। दोस्तों, आग उतनी भयानक थी कि बहुत ही सारे फायर फाइटर व्हीकल्स इकट्ठे होकर भी यह आग को नहीं बुझा पाए थे। दोस्तों, उस समय आग ग्राउंड फ्लोर से लगती हुई ऊपर तक पहुंच गई थी, जो कि 5वीं मंजिल तक पहुँच गई थी। दोस्तों, फायर फाइटिंग व्हीकल्स जो कि ग्राउंड फ्लोर से पानी की बौछार लगा रहे थे, लेकिन उतनी हाइट तक पानी की बौछार पहुंच नहीं रही थी। तो उसके लिए ही हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है। दोस्तों, उस समय के कुछ न्यूज में आपको दिखाता हूँ, तो ये देखिए। सूरत में दर्दनाक हादसा, कमर्शियल बिल्डिंग में लगी आग, 20 छात्रों की जिंदगी खत्म, कई छात्रों की हालत गंभीर। दुनिया में हीरे की चमक बिखेरने वाला सूरत शहर आज सदमे में है, रो रहा है। कल शाम में कोचिंग सेंटर में भीषण आग ने 21 जिंदगियां एक पल में खत्म कर दी। कोचिंग में पढ़ रहे 20 बच्चे और एक महिला टीचर इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। सिर्फ सूरत ही नहीं, पूरा गुजरात, यहां तक कि पूरा देश इस हादसे से दहल चुका है। आग और धुएं से जान बचाने के लिए बच्चे कोचिंग सेंटर की छत से कूदे, लेकिन उन्हें जिंदगी नहीं मौत मिली। आरोप लगे कि दमकल विभाग के पास ना चौथी मंजिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां थी, ना नीचे कूद रहे बच्चों को बचाने के लिए किसी प्रकार का जाल था, और ना ही आग बुझाने के लिए पर्याप्त पानी। तो दोस्तों, न्यूज में दिखाया उसी तरह आग बढ़ती बढ़ती 5वीं मंजिल तक पहुंच गई थी, जिससे कि आग उतनी ज्यादा भयानक हो गई थी कि अंदर रहे हुए स्टूडेंट को कोई और रास्ता नहीं मिलने पर उतनी मंजिल से उनको नीचे जंप करना पड़ा था, जिससे बहुत ही सारे स्टूडेंट उस टाइम डेथ हो चुके थे। तो दोस्तों, यही सब रीजंस को ध्यान में रखते हुए हमने एक बहुत ही एडवांस लेवल का फायर रेस्क्यू ट्रक बनाया है, जो कि जमीन के लेवल से 5 से लेके 6 मंजिल तक बहुत ही आसानी से उतनी हाइट पे जा सकता है। और उसके साथ साथ उतनी हाइट पे जाने के बाद उसके अंदर दोस्तों पानी स्प्रे करने की भी क्षमता है, और साथ ही साथ बहुत ही हैवी ड्यूटी, बहुत ही ज़्यादा लेवल का स्मोक एब्जॉर्ब करने की भी कैपेसिटी है। उसके साथ साथ दोस्तों उतनी हाइट पे फंसे हुए इंसानों को बचाने के लिए उसके अंदर एक रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए लेडर की भी सुविधा रखी है। जब भी कभी इतनी ऊंची मंजिला पर आग लगी होती है, तब दोस्तों ये लेडर कुछ इस तरह काम करता है। दोस्तों, लीडर की बगल में दिया गया नोजल और उसके नीचे जो बड़ी पाइप लगी है, वो स्मोक खींचने का काम करती है। दोस्तों, चाहे आग जितनी भी दूर क्यों ना हो, हम उसकी हाइट इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। उसी तरह दोस्तों, इंसानों को रेस्क्यू करने के लिए ये लीडर मैकेनिज्म लगी हुई है। दोस्तों, लीडर मैकेनिज्म कुछ इस तरह से काम करती है। दोस्तों, लीडर मैकेनिज्म को अंदर बाहर करने के लिए हमने रैक एंड पिनियन गियर मैकेनिज्म का यहाँ पे यूज़ किया है। दोस्तों, ये करने का रीज़न मेन तो वही है कि ट्रक जहाँ पे भी खड़ा हो, उससे चाहे जितनी भी डिस्टेंस पे रेस्क्यू करने की ज़रूरत पड़ रही हो, तो हम इसकी मदद से उसका डिस्टेंस तक पहुँच पाते हैं। साथ ही साथ यह सिस्टम अपनी जगह पर 0 to 360 degree क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकती है, जिसके कारण दोस्तों कोई भी जगह पे आग लगी हो, चाहे कोई भी कोने पे कोई भी डिग्री पे आग लगी हो, वो आग हम उसकी मदद से एंगल सेट करके बुझा सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों, हमने बहुत ही हैवी ड्यूटी हैलोजन बल्ब का यूज़ किया है। जब भी बहुत ही ज़्यादा स्मोक होता है, उस टाइम इंसानों को दिखना बंद हो जाता है, तब ये हैलोजन उनको रेस्क्यू करवाने में हेल्प करता है। दोस्तों, उसके साथ साथ नोजल का अलाइनमेंट हमने कुछ इस तरह से किया है कि इससे हम नोज़ल की हाइट भी सेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ नोज़ल के अंदर से जो पानी का स्प्रे हो रहा है, उसका एंगल भी हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जिसकी मदद से एक प्रॉपर वे में आग को बुझाया जा सकता है। दोस्तों,
आपने न्यूज़ में देखा उसी हिसाब से जब ये कॉम्प्लेक्स में आग लगी थी तब नीचे से जो फायर फाइटिंग व्हीकल थे वो आग बुझा रहे थे लेकिन पानी उन तक नहीं पहुंच रहा था। तो दोस्तों यही रीज़न को ध्यान में रखते हुए हमने इस तरह की डिज़ाइन बनाई है जिससे कि जितनी भी चाहे हाइट हो हम आग को एकदम इजीली वे में बुझा सकते हैं। दोस्तों उसके साथ ही साथ हमने इंसानों को रेस्क्यू करने के बाद उनको नीचे उतारने के लिए एक लिफ्ट की भी सुविधा लगाई है। दोस्तों जब भी इंसान बिल्डिंग में फंसे होंगे उनको लेडर की मदद से रेस्क्यू करके उनको टॉप पोर्शन में लाया जाएगा, उसके बाद ये लिफ्ट की मदद से उनको ग्राउंड फ्लोर तक लाया जाएगा। दोस्तों साथ ही साथ नीचे से रेस्क्यू टीम को अगर ऊपर जाना होगा तो यहीं लिफ्ट की मदद से वो ऊपर तक पहुंच सकेंगे। दोस्तों इस टाइप का व्हीकल आज तक हमारे इंडिया में नहीं बना, तो यही सोचकर दोस्तों हमने इस व्हीकल की डिज़ाइन की है। तो दोस्तों अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक तो कर ही देना। दोस्तों साथ ही साथ हमने इसके अंदर एक एडवांस लेवल का स्मोक एब्जॉर्बर दिखाया है। दोस्तों आपने आज तक कोई भी फायर व्हीकल में इस तरह की सिस्टम नहीं देखी होगी। जब भी बहुत ही हैवी आग लगती है तो उसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का स्मोक निकलता है। तो दोस्तों कई सारे इंसानों की डेथ तो इस स्मोक की वजह से ही हो जाती है। दोस्तों यह स्मोक एब्जॉर्बर एक वैक्यूम क्लीनर की जैसे ही काम करता है। दोस्तों ये वैक्यूम क्लीनर की तरह सक करता है और उसी तरह एग्जॉस्ट से उसको बाहर निकाल देता है। दोस्तों हमने यहाँ पे एक इम्पेलर का यूज़ किया है जो कि एक क्लोज चैम्बर के अंदर फिक्स है, जिसकी मदद से हवा का दबाव होता है वो नोजल से होता हुआ बाहर एग्जॉस्ट से निकल जाता है। दोस्तों यह पूरी मैकेनिज्म को स्लाइसर मैकेनिज्म कहा जाता है, जो कि 4-bar मैकेनिज्म के प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करता है। दोस्तों ये पूरी हाइट को अप डाउन करने के लिए हमने यहाँ पे बॉटम में लीड स्क्रू का यूज़ किया हुआ है। दोस्तों आप इसकी जगह पे बॉल स्क्रू का भी यूज़ कर सकते हो। उसके साथ साथ दोस्तों हमने यहाँ पे बहुत ही हैवी ड्यूटी गियर मोटर का यूज़ किया है जो कि लीड स्क्रू को घुमा रही है। दोस्तों ये लीड स्क्रू का फॉरवर्ड और रिवर्स मोशन के वजह से ही ये पूरा स्लाइसर अप डाउन हो सकता है। दोस्तों इसके ऑप्शन में आप चाहे तो हाइड्रोलिक सिलेंडर का भी यूज़ कर सकते हो, जो कि उसका लोडिंग कैपेसिटी लीड स्क्रू से बहुत ही ज़्यादा रहता है। उसके साथ साथ दोस्तों ये पूरी ट्रक को स्टेबिलिटी देने के लिए हमने उसकी चारों ओर सपोर्ट सिस्टम लगाए हुए हैं। दोस्तों फिलहाल ये सपोर्ट सिस्टम हमने स्क्रू ड्राइव मैकेनिज्म के ऊपर लगाए हुए है, लेकिन इन फ्यूचर एडवांस ट्रक में हम इसको हाइड्रोलिक सिलेंडर के ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो दोस्तों उसके साथ ही साथ इसके ऊपर लगाए गए नोजल और लीडर मैकेनिज्म को भी आप हाइड्रोलिक सिलेंडर में कन्वर्ट कर सकते हो। दोस्तों यह पूरा मॉडल हमने प्रोटोटाइप फॉर्म में बनाया है। तो दोस्तों आप भी चाहते हो कि ऐसा रियल फायर ट्रक हमारे इंडियन फायर फाइटिंग के पास भी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो हमारे इंडियन फायर फाइटर तक पहुँच जाए और हमारा ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में आ जाए और इंडिया में ऐसे ही फायर व्हीकल हो। तो चलिए दोस्तों इसके साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।